सॉरी हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना बिजी हो गई, भूल ही गई आप लोग आने वाले हैं। एक्चुअली क्या है ना, आज के लिए इस न्यूज़पेपर की वैल्यू है, टुमारो दिस इज वेस्ट। बट डोंट वरी, व्हाई आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। एंड टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। एंड वन एग्जाम्पल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दिस कॉस्टर। बट नॉट ओनली दिस कॉस्टर, वी आर गोइंग टू मेक फोर ब्यूटिफुल डेकोर आइटम्स from the old newspapers. So let's go and make it. And yes, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दो भाई। अभी तो बहुत सारे वीडियोज डाल दिए मैंने और आगे भी बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज डालने वाली हूँ। एंड यस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो चलते हैं। न्यूज पेपर स्ट्रिप्स बनाने के लिए हम लोग किसी स्टिक के ऊपर पेपर को रोल करते हुए एंड में उसको फेविकोल से सील कर देंगे और इस तरह से हम ये सारी न्यूज़पेपर स्टिक्स तैयार कर लेंगे। कॉस्टर बनाने के लिए हम एक स्टिक को लेकर पहले राउंड शेप में टर्न करना स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में उसको फेविकोल से पेस्ट करते जाते हैं। इसके बाद हमें, क्योंकि मैं स्क्वायर शेप के कॉस्टर्स बना रही हूँ, तो इसको हम कॉर्नर्स पर थोड़ा प्रेशर देते हुए टर्न करेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम एक स्टिक के एंड पर दूसरी स्टिक को पेस्ट करके स्ट्रिप की लेंथ बढ़ा लेंगे और अपना कॉस्टर को तैयार कर लेंगे। इस तरह रैप करते हुए एंड में हम फेविकोल से पेस्ट करके इस पर एक बार फेविकोल का ब्रश कर देंगे ताकि ये थोड़ा स्टर्डी हो जाएगा। बेस बनाने के लिए हम कॉस्टर से थोड़े बड़े साइज का कार्डबोर्ड लेकर इस तरह से उस पर पेपर स्टिक्स पेस्ट कर देंगे। अब चारों तरफ का फ्रेम बनाने के लिए हम चार रेक्टेंगल्स प्रिपेयर करेंगे, जिनमें से दो स्मॉल साइज होंगे और दो बिग साइज होंगे, दो लेंथ में लगाने के लिए और दो साइड पर लगाने के लिए। लेंथ के लिए हमने दो स्ट्रिप्स को निकाल दिया था ताकि हम अच्छे से इसको स्ट्रांगली पेस्ट कर सकें। फेविकॉल से इन दोनों को पेस्ट करने के बाद साइड से स्मॉल साइज वाले रेक्टेंगल्स को पेस्ट करके हम बेस तैयार कर लेंगे, मींस कॉस्टर स्टैंड तैयार कर लेंगे। अब हम इनको पेंट करेंगे। मैंने इसको येलो और ब्लैक कलर से पेंट किया है और इसके बाद मैं इस पर ड्राई होने के बाद वार्निश का एक कोट अप्लाई करूँगी ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, स्टर्डी हो जाए। एंड दिस इज इट। फोटो फ्रेम बनाने के लिए हम दो कार्डबोर्ड के टुकड़ों को आपस में पेस्ट करके उनके ओपन एरियाज को मास्किंग टेप से सील कर देते हैं। 1 इंच चौड़ी एक कार्डबोर्ड की पट्टी पर हम 4 पेपर स्टिक्स को पेस्ट कर देंगे और इस स्टिक से हम लोग स्क्वायर शेप्स के पीसेस कट कर लेंगे। इन पीसेस को हम फोटो फ्रेम का बॉर्डर बनाने के लिए यूज करेंगे और हम इनको अल्टरनेटिव वेज में पेस्ट करते हैं, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। फ्रेम के बॉर्डर को मैंने गोल्डन कलर किया है और अंदर की तरफ ब्लैक कलर किया है। ड्राई होने के बाद मैंने इस पर वार्निश का एक कोट किया। आप चाहें तो इस फ्रेम को डबल टेप की हेल्प से भी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक रोप की हेल्प से उसको हैंग करने के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से उस रोप को लगाकर वॉल पर हैंग कर सकते हैं। और टेबल पर प्लेस करने के लिए आप इस तरह से कार्डबोर्ड के बंच को इस पर पेस्ट करके इसको किसी भी टेबल पर डेकोरेट कर सकते हैं। टेबल मैट बनाने के लिए इस तरह से हम छोटे साइज के 9 सर्कल्स रेडी कर लेंगे और इन 9 सर्कल्स को फिर फेविकॉल के हेल्प से एक प्रॉपर स्क्वायर शेप देते हुए हम आपस में पेस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर इनको सूखने देते हैं और उसके बाद हम इस स्क्वायर के चारों तरफ एक फ्रेम तैयार करेंगे। फ्रेम बनाने के लिए स्टिक्स को एक दूसरे में सेट करते हुए फेविकॉल लगाते जाना है और उसको स्क्वायर शेप देते हुए बस आगे बढ़ाते जाना है। इस तरह से आप एक स्टिक के एंड पर दूसरे स्टिक के स्टार्ट पॉइंट को ऐड करके फ्रेम को रेडी कर लेंगे। इसे और स्ट्रांग बनाने के लिए आप इसके नीचे कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं और इसके बाद पूरे फ्रेम पर एक बार फेविकॉल को कोटिंग करना है ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। फ्रेम के बॉर्डर को मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है एंड मिडिल सर्कल्स को मैंने गोल्डन कलर का टच दिया है। इसको हम डबल कोट करेंगे ताकि अच्छे से शाइन करे।
एंड इसके ड्राई होने के बाद मैंने इस पर एक लेयर वार्निश का लगाया था एंड दैट्स इट। सनरेज मिरर बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड का एक सर्कल लेकर उस पर इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम एक इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स को, पेपर स्ट्रिप्स को इस पर इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। स्ट्रिक्स की लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना बड़ा सन चाहिए। तो फर्स्ट लेयर आप फर्स्ट लेंथ की स्ट्रिक्स की प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ यू विल स्टार्ट पेस्टिंग स्ट्रिक्स फ्रॉम इनसाइड सो दैट जो आपका सेकेंड लेयर होगा वो थोड़ा सा स्मॉल साइज रहेगा फर्स्ट लेयर के कंपेरेटिव। और इस तरह से हमारे सनराइज वॉल हैंगिंग का ये बेस तैयार हो गया है जिसको हम एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के हेल्प से कवर कर देंगे और उस पर फेविकॉल लगाते हुए अच्छे से हमने कवर कर दिया। और इसका मैंने ऊपर वाला लेयर निकाल लिया है, मैं इसको अभी ऐसे ही रखने वाली हूँ लेकिन मुझे इस पर मिरर लगाना है जो कि मैंने अभी ऑर्डर दिया है और आया नहीं है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिरर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। रेस को मैंने गोल्डन कलर से कलर किया है और सेंटर पार्ट को मैंने कॉपर कलर से, डार्क कॉपर कलर से पेंट किया है। और लास्ट में मैं इस पर वार्निश का एक कोटिंग ज़रूर करूंगी क्योंकि ये पेपर स्टिक्स हैं, इनको हमें स्टडी बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, शाइनी बनाना है।